उदयपुर नगर निगम की टीम पहुंची खांजीपीर स्थित एक प्लॉट पर लगे टीन शेड को तोड़ने। विवेक कटारा ने रुकवाया काम। उदयपुर में खांजीपीर इलाके में एक खाली प्लॉट पर लगी टीन शेड को तोड़ने गई उदयपुर नगर निगम की टीम को मौके से वापस लौटना पड़ा। पूर्व पार्षद राशिद खान ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक कटारा को फोन पर इसकी जानकारी दी। इस पर विवेक कटारा खुद मौके पर आए और संबंधित अधिकारियों से बात करके गलत कार्रवाई को रुकवाया। देखिए आप भी विवेक कटारा और नगर निगम के अधिकारियों के बीच की बातचीत। मना कर रहे हो तो के लावा भी इधर भेड़ जाना ही यही बन रहा है ज्यादा। हां ये है यही बन रहा है बिहारी है ये मंडी तो नहीं आपका फोन नहीं आ रहा है साथ में कभी भी सबसे लाके वो बड़ा कैसे कैसे बात है देखो सरकार में बैठे दोस्तों के काम करना गरीब ठीक है तेरा जो भी तेरे को मैं बता दूंगा क्या होता क्या नहीं होता हमारे लोगों को तंग करो गरीबों को है तुम इंडस्ट्री कब टारगेट देखे काम कर रहे हो क्या और क्या अरे ये इनके पास क्या है छोटी मोटी चीज इनका नाम नोट कर लो भैया ये भैया हमारे लोग ये हमको समझ अरे इनका नाम ले लो इनका नाम है इनका पूरे के बात करो करो इनका नाम क्या अभी बात कर रहे हैं दीदी बता दो क्या होता है बता दो लोगों को है मैं बैठा हूँ यहाँ पे ठीक है मेरे बैठे हुए आपको जाओ ऐसे आप आपको आपको भी नहीं आ रहा नाम नाम पूरे के बात करो करो इनका नाम क्या बात कर रहे बता दो क्या होता है बता दो लोगों को मारे है मैं बैठा हूँ यहाँ पे ठीक है मेरे बैठे हुए मेरे बैठे हुए आपको जाओ ऐसे आपको भी नहीं नाम नाम इनका पूरे के बात करो करो इनका नाम क्या बात कर रहे बता दो क्या होता है बता दो हमारे लोग संकट के लोग हमारे है मैं बैठा हूँ यहाँ पे ठीक है मेरे बैठे हुए मेरे बैठे हुए आपको जाओ ऐसे आपको भी नहीं आज मैं हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पूर्व पार्षद रशीद भाई के कहने से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे नगर निगम की के द्वारा अभी आरोप भेजा गया पूरे जाब्ते के साथ जो एक निजी प्लॉट है मोहम्मद शकील का और उसमें अभी जो ये काम चल रहा है स्मार्ट सिटी का उसमें एलएनटी की लेबर रुकी हुई है सिर्फ प्लॉट में ये टीन शेड बना हुआ है उसकी बोले कि उसका परमिशन नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नगर निगम से कि किस प्रावधान में ये है कि खुद के प्लॉट में आप निजी टीन शेड डाल के आप अपना काम नहीं कर सकते। जो ये मनमानी जो पूरे शहर में पूरी नगर में की हम उसकी निंदा करते हैं और जिस तरह से गरीबों को परेशान किया जा रहा है मैं सब यहाँ लोगों के बीच में हमारे क्षेत्रीय पार्षद यहाँ पे उपस्थित हैं उनके सामने बोलना चाहता हूँ कि नगर निगम का अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी हमारे गरीब लोगों की आवाज़ नहीं सुनेगी तो ये बात हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और हमारे हमारे जो जो क्षेत्र के जो निवासी है उनका उनको जल्दी से जल्दी राहत दिलाएंगे ये इसलिए हम लोग यहाँ पर मौका मंगाने कर रहे हैं। धन्यवाद।